इंग्लिश बाल भारती फिफ्थ स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड यूनिट 3 चैप्टर 17 ऑन द वॉटर। दिस इज अ पोयम ऑन द वॉटर। ये पोयम पेज नंबर 42 में दिया गया है। तो बच्चों आइए लेट्स रिसाइट द पोयम फर्स्ट। इन आर लिटिल बोट टू ग्लाइड ऑन द वॉटर ब्लू एंड व्हाइट While the sky is smooth and bright, what could give us more delight? अब यहाँ पोएट कह रहा है कि वो स्लोली अपने बोट में जा रहा है ऑन अ वाइड मतलब चौड़ी नीली नदी में। While the sky is smooth and bright, sky smooth और bright है, तो पोएट बोल रहा है इससे delightful means अच्छा आनंद भला क्या होगा। सी द रिपल्स हाउ दे रन ट्विंकलिंग ब्राइटली इन द सन व्हाइल रिफ्लेक्टेड वी कैन सी शेडोज ऑफ ईच हिल एंड ट्री। अब पोएट क्या कह रहा है, पोएट ऑब्जर्व करने के लिए कहता है कि देखो कैसे पानी में हवा के द्वारे लहरे, पानी में हवा से जो वेव्स चल रही है और वो सन से के रोशनी में चमक रही है। अभी आप वेव्स देख रहे हैं, वो पानी में वेव्स बन रही है हवा से, हवा क्योंकि बह रही है तो उससे वेव्स बन रही है और वो चमक रही है सनलाइट में। ठीक है। सी द लिलीज राउंड एंड लार्ज फ्लोटिंग नियर द रिडी मार्ज वेयर द बुलरश हैज इट्स प्लेस एंड हैवी वॉटर मेज। अब पोएट कह रहा है कि हिल्स मतलब पहाड़ों और पेड़ों की परछाई भी पानी में दिख रही है। ठीक है, तो पानी के किनारे लिलीज के बड़े और राउंड शेप के पेड़ है और वहां ऊंचे और लंबे ग्रास भी उगी हुई है और वो ग्रास बुलरश एंड वॉटर मेज की तरह दिख रही है, मतलब एक वेटलैंड मतलब गीले घास से घिरी हुई ये जो नदी के किनारे पूरी गीली घास की तरह दिख रही है, बुलरश एंड वेटलैंड। ठीक है। सी द ग्रेट ग्रीन ड्रैगन फ्लाई एंड द शैलो स्किमिंग बाय सी द फिशेस स्प्रिंग एंड ग्लिम एवे दे फ्लैश इन टू द स्ट्रीम। पोएट ने बिग ग्रीन ड्रैगन फ्लाई देखा है और स्मॉल बर्ड्स जो पानी क्विकली निकल रही है और मतलब आती है छोटी छोटी बर्ड्स और पानी को अपनी चोंच में लेके क्विकली चली जाती है, जल्दी चली उड़ जाती है। तो पोएट कहता है पानी से मछली भी फिशेस स्प्रिंग एंड ग्लिम, तो पानी से मछली उछल कर बाहर आती है और उसकी जो बॉडी है वो सनलाइट में चमकती है और वो छपक से फिर पानी में चली भी जाती है। सी द ब्राइट किंग फिशर टू डार्ट अ ग्लिम ऑफ ग्रीन एंड ब्लू दीज आर ऑल अराउंड आर बोट ऑन द वॉटर विल्स वी फ्लोट। अब ब्राइट कलर का किंगफिशर है, किंगफिशर एक बर्ड होता है जो जिसका कलर बहुत ब्राइट ग्रीन एंड ब्लू कलर का है, वो भी तेजी से इधर उधर जा रहा है, उड़ रहा है। जब हम अपनी बोट पर पानी में तैर रहे थे तो इंसेक्ट छोटे छोटे कीड़े बर्ड्स प्लांट्स हमारे बोट के आजू बाजू जमा हो गए थे। तो ऐसा पोएट डिस्क्राइब कर रहा है इस पोएम में कि जब वो अपने बोट में नदी में जा रहे थे तो उन्होंने क्या क्या देखा अपने आजू बाजू। हाँ, तो यही सब पोएट ने इस पोयम में डिस्क्राइब किया है। तो बच्चों इसी के साथ ये पोयम ऑन द वॉटर यही फिनिश होता है।